हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट शेयर के ऊपर, साथ ही साथ बात करेंगे उन सभी शेयर से रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर। तो एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेमंड के शेयर के ऊपर। रेमंड के शेयर में हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में तकरीबन 10% का एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला, और अगर पूरे वीक की बात करेंगे तो स्टॉक जो है इस वीक में 4.5% ऊपर क्लोज हुआ है, और लास्ट वन मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 30.81% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में क्यों तेजी देखने को मिला है, तो यहाँ पे जो है रेमंड के तरफ से एक न्यूज आया है, जो कंपनी जो है अपना टेक्सटाइल बिजनेस और साथ ही साथ जो है रियल एस्टेट का बिजनेस, दोनों बिजनेस को अलग करने वाला है। तो दोनों बिजनेस को अलग इसलिए कर रहा है जिससे कि वैल्यू को अनलॉक किया जाए, और वैल्यू अगर अनलॉक होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, और इसी वजह से जो है स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल वर्टिकल डीमर्जर होने वाला है, और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपके पास जितना शेयर डायमंड रेमंड का होगा उतना ही आपको जो है रेमंड रियल्टी का मिलेगा, यानी कि आपको अपने शेयर्स में कुछ भी एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, कोई भी जो है एडजस्टमेंट रेशियो नहीं है, 1:1 के रेशियो में मिलेगा। अगर आपके पास 10 शेयर है रेमंड का तो फिर आपको 10 रियल्टी का भी शेयर मिलेगा, अगर आपके पास 100 शेयर है रेमंड का तो आपको 100 रियल्टी बिजनेस का भी जो है शेयर्स मिलेगा। तो इसके ऊपर जो है अभी बोर्ड की तरफ से दिया गया है, अब जितना भी अप्रूवल होता है, अप्रूवल होने के बाद जो है आपके सामने डेट भी आ जाएगा जो किस डेट को ये पूरा डिमर्जर प्रोसेस होने वाला है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे जो है आपको ज्यादा नहीं एडजस्टमेंट करना है क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट रेशियो नहीं है। तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ने एक वर्टिकल मूव दिया है। स्टॉक 2100 के लेवल के ऊपर जब स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे तकरीबन 1400 पॉइंट का एक बिल्कुल वर्टिकल मूव दिया है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे अभी आपको फ्रेश एंट्री का अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक है तो जरूर होल्ड करके रख सकते हैं, बट फ्रेश अपॉर्चुनिटी का, फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पे आपको नहीं बन रहा है। तो थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए रिट्रेसमेंट का, या फिर अगर कंसोलिडेशन हो जाता है तो कंसोलिडेशन के बाद जो है यहाँ पे हम लोग वापस से एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल्स, इसके साथ ही जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आता है या फिर जो है आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है, किसी सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकता है, सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग लगातार पोस्ट करते रहते हैं। स्पेशली जब लाइव मार्केट में कुछ भी पोस्ट करना रहता है तो टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल का ही हेल्प लिया जाता है। अभी रिसेंट भी यहाँ पे देखेंगे, इससे पहले जो है पोस्ट किया था डिफेंस सेक्टर के ऊपर, और उसके बाद से एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला डिफेंस सेक्टर के ऊपर। मैंने पोस्ट किया था वेडनेसडे के सेशन में, वेडनेसडे के सेशन में तकरीबन 11 बजे मैंने डिफेंस सेक्टर के ऊपर पोस्ट किया था, और उसके बाद से आप जाके चार्ट देख सकते हैं जो क्या जबरदस्त तेजी डिफेंस सेक्टर में आया। सिमिलर तेजी हम लोगों को आने वाले समय में इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर देखने को मिल सकता है, तो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो लगातार इसी टाइप के यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग शेयर करते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिटेल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जहाँ पे कि जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका सारा क्वेरी रिजॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेमेंट करके जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, आपके साथ सारा
आगे का फर्दर प्रोसीडिंग का डिटेल शेयर कर दिया जाएगा। इन केस अगर आप एफएनओ को ट्रेड करते हैं तो एफएनओ का एक प्रीमियम ग्रुप है जिसको कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। बस आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर एंजल वन में, तीन में से किसी एक में अकाउंट ओपन कर लीजिए, वहाँ पे 2 वीक ट्रेड कीजिए, उसके बाद आप अपना डिटेल शेयर कर दीजिए, आपको इस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, आप अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैश ट्रेडिंग साथ ही साथ जो है एफएनओ का ट्रेड जो भी है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके साथ ही मैंने जून मंथ का परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी पोस्ट कर दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें 3-4 और ट्रेड्स हैं जो कि अभी रनिंग है, इसी वजह से यहाँ पे नहीं पोस्ट किया गया है, आप जाके सारा डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस से हम लोग आ जाते हैं डिस्कशन पे, सेकंड स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। सेकंड स्टॉक है CDSL। CDSL के शेयर में हम लोगों को एक अच्छा तेजी प्रीवियस वीक में देखने को मिला था। इस वीक में स्टॉक जो है तकरीबन 5.25% नेगेटिव क्लोज हुआ है, लेकिन लास्ट वन मंथ में देखेंगे तो अभी भी स्टॉक जो है तकरीबन 11.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। CDSL के ऊपर जो है 2-3 गुड न्यूज़ है। पहला ये न्यूज़ है जो लगातार जो है डीमिट अकाउंट का नंबर्स इंक्रीज हो रहा है। 42 लाख न्यू डीमेट अकाउंट जो है जून में आपको ओपन हुए हैं और टोटल डीमेट अकाउंट जो है 16 करोड़ हो चुका है। दो ही डिपोजिटरी है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज और नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी, और CDSL लिस्टेड है, NSDL लिस्टेड नहीं है, तो वनली जो है अपने बिजनेस में मोनोपोली है। और साथ ही साथ जो है नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स आने वाले समय में और इंक्रीज ही होगा, तो CDSL में जो है एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे अप्रैल 2023 से लगातार जो है डीमेट अकाउंट जितना भी एडिशन हो रहा है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। प्रीवियस थ्री मंथ में जो है यहाँ पे आपको जरूर थोड़ा सा स्लो हुआ था, बट वंस अगेन जो है मई से पिकअप कर चुका है मोमेंटम। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे 1:1 बोनस इशू का भी अनाउंस कर दिया है और साथ ही साथ डिविडेंड का भी अनाउंस कर दिया है। डिविडेंड का डेट आ चुका है, 16th of July को आपको रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड का। 19 rupees पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा और 3 rupees पर शेयर का जो है आपको स्पेशल डिविडेंड यहाँ पे दिया जाएगा। तो टोटल जो है 22 rupees पर शेयर का आपको यहाँ पे जो है डिविडेंड मिलेगा 16th of July। तो अभी भी आपके पास समय है, आप स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, फिर भी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर बात करें बोनस शेयर का, तो बोनस शेयर का अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आया है। यहाँ पे जो है जो भी आपको प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के लिए स्टार्ट कर दिया गया है विद इन 2 मंथ। कंपनी का ये मानना है जो 1 सितंबर 2024 से पहले जो है आपको इसका रिकॉर्ड डेट हो जाना चाहिए, जो भी प्रोसीडिंग्स है बोनस शेयर का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसी वजह से स्टॉक में एक लगातार तेजी देखने को मिल रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था। स्टॉक ने जब इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेकआउट किया था, उसके बाद रीटेस्ट किया इस जोन को, वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 2000 के लेवल के ऊपर, और स्टॉक ने यहाँ पे जो है 2538 का हाई लगाया है। एक एवरग्रीन स्टॉक है, और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकता है, SIP मोड में इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक के शेयर में अगर देखेंगे तकरीबन 2% का गिरावट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला और पूरे वीक में स्टॉक जो है साइडवेज ट्रेड किया है। यहाँ पे 9th of July को करेंट MD जो है वो आपको रिटायर करने वाले हैं और उनके जगह पे 10th of July से न्यू MD का भी अनाउंसमेंट हो गया है, रतन कुमार केस। ये जो है इंटरिम MD एंड CEO जो है वो नियुक्त किए गए हैं 10 जुलाई से, क्योंकि 9 जुलाई तक जो है वो आपको करंट MD का कार्यकाल है, उसके बाद जो है रतन कुमार केस जी जो है वो इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल जो है 10th of July से लेंगे। इसका इफेक्ट कल के सेशन में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक टेक्निकली जो है एक रेंज में फंसा हुआ है,
नीचे की साइड में स्टॉक जो है ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है 170 के लेवल पे, और ऊपर की साइड से अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड से हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है स्टॉक में हम लोगों को फर्दर अपसाइड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस काफी ज्यादा स्क्वीज हो रहा है, वेट कीजिए यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट होने का, उसके बाद ही स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी 500 की तरफ देखने को मिलेगा। अभी इस स्टॉक में थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है WPIL। WPIL जो है ये आपको करंटली 4500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी आपको मिलने वाला है 450 रुपीज के लेवल पे। उसके पीछे का वजह क्या है, उसके पीछे का वजह है जो कंपनी जो है 12th ऑफ जुलाई को 1:10 के रेशियो में स्प्लिट होने वाला है। यानी कि जो अभी आपको 4500 का प्राइस दिख रहा है ये 450 के लेवल्स पे आपको दिखेगा। पंपिंग सॉल्यूशन में कंपनी है, आने वाले समय में जो है इस सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है और इस कंपनी में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी को जो है आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है AGI ग्रीनपैक। AGI ग्रीनपैक के शेयर में 8% का एक जोरदार उछाल देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में, और प्रीवियस वीक की अगर बात करेंगे 31% के रिटर्न के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली अगर देखेंगे तो एक जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो है एक सपोर्ट लेवल से बाउंस करता हुआ दिख रहा है। 650 के लेवल से स्टॉक बाउंस कर रहा है, एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। इमीडिएट जो ऊपर की साइड में टारगेट देखेंगे तो 1100 का इमीडिएट रेसिस्टेंस होगा, और उसके ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है तो और जबरदस्त तेजी यहाँ पे हम लोगों को 1500 की तरफ देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।